नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें यहाँ पर है हमारी गैलरी, और इसकी वजह से यहाँ देखें सारी धूल मिट्टी आती रहती है, और ये सुबह सफाई हुई है। ये देखें क्या करूँ मैं, अभी मैंने बनानी है खिचड़ी। खिचड़ी मुझे हर 2 दिन बाद दे दें, मैं खा लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए, ये देखें दालें मूंग और मसूर की, और चावल को भिगो दिया है। चावल मैंने 1.5 गिलास लिया है, और आधा आधा गिलास मैंने दालें ली हैं, और यहाँ खड़ा मसाला निकाल लिया है, और लहसुन अदरक। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने 2 प्याज लिए हैं यहाँ पर छोटी छोटी सी, और आधा कप मैंने ऑयल ले लिए। बस इसको टॉप करेंगे, और प्याज देखें ये थोड़ी कच्ची और थोड़ी पकी, यानी थोड़ी वाइट और थोड़ी गोल्डन। तो यहाँ 1 चम्मच भर के ये लहसुन अदरक डाल देंगे। चम्मच जीरा डाल देंगे, और कुछ काली मिर्चें, और 2-3 लौंग, और एक ये तेजपात, और 3-4 ये साबुत मिर्चें, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये लहसुन अदरक का पानी डाल रही हूँ, फिर से सादा भी पानी डाल सकते हैं। बस, और अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, नमक टेस्ट के मुताबिक जाएगा, थोड़ा अभी चले जाएगा, थोड़ा फिर चावल जब जाएंगे तब जाएगा, क्योंकि चेक कर लेंगे जब चावल डालूँगी तब। लहसुन अदरक थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद मैं दाल और चावल डालूँगी, यानी ये भिगो के रखा हुआ है। इधर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ये थोड़ा पानी कम करेंगे, उसके बाद हमने ये दाल और चावल डालना है। ये देखें लहसुन अदरक भून गया इसमें, इन तमाम चीज़ों को मैं लहसुन अदरक के साथ ही भून लिया ताकि इसका अरक निकले, और ये सब कुछ देखें अच्छे से भून गया। ऑयल ऊपर आ गया, इसमें देखें लहसुन अदरक की बस भून आ रहे हैं, इसका ख्याल रखना। ये चावल में पानी हमने इतना डालना है कि चावल से 1 इंच पानी ऊपर रहे। हर तरह का चावल होता है, उसके मुताबिक हमने पानी डालना होता है। कोई मोटा होता है, देर तक पकाना पड़ता है, कोई वनस्पति होता है, सैला होता है, इसका ख्याल करना होता है। लेकिन जब भी हमने चावल डालना है 1 इंच ऊपर होना ज़रूरी है। मोटा चावल है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाएगा। बस अब इसको जोश आने तक के लिए पकाएंगे। ये देखें, और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग जिस तरीके से मैं खिचड़ी बना रही हूँ इस तरीके से बनाते हैं या फिर कोई और तरीका है। कुछ लोग ऐसे खिचड़ी को जैसे कि दलीम होती है, हलीम होती है, वो उस तरीके की होती है उनकी खिचड़ी, और किसी को इस तरीके की पसंद है, यानी खिली खिली सी। खिचड़ा नहीं चाहिए होता है, ये खिचड़ी
देखिएगा आप, अभी ये बन जाएगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके की मैं बोल रही हूँ आपको। और देखिए यहाँ पर पानी कम हो गया है, अब मैं यहाँ पर नमक चख लिया है मैंने, तो मुझे नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और अगर आप लोगों को ज़्यादा चटपटा करना है तो ये थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दें अपने मुताबिक, यानी कि आपको तेज़ खानी है तो तेज़ खाने। और अब मैं यहाँ तवा रख कर इसको दम पे लगाऊंगी, इसके चूड़ी को तवा रख दूँगी नीचे, ऊपर से कवर कर दूँगी। और बस इतना पानी है और हमें नमक डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बस इतने ही नमक काफ़ी है। और आप चेक कर लीजिएगा इस स्टेज पे कि आप लोगों को नमक डालना है कि नहीं। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है और ये कवर कर दिया है बस, और आँच कम कर दी है। अब देख लेते हैं कि दम आया है नहीं। मैंने आधा यानी कि 15 मिनट इसको दम दिया और ये देखें चेक कर लो खिचड़ी बनी है। कुछ इस तरीके से ये खिचड़ा नहीं बना, यानी गुठा हुआ सब कुछ नहीं बना, खिलेवे बने। ये वाली खिचड़ी बहुत लजीज बनती है, ट्राई करिएगा सलाद और दही के साथ। साफ़ कर दी थी और अब तक साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मेरी ग्रीन टी भी तैयार होकर रख दी गई है। और ये देखें, ये सऊदीया की थी नेचुरल हर्ब।